बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सब मेरे दोस्त अहबाब, मेरे सब देखने और सुनने वालों, आप सब के लिए मैं अपनी दुआ और छोटा सा मैसेज लेके हाज़िर हूँ। मेरे प्यारे मोहतरम साथियों, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद फरमाए, आप सबको दुनिया में हर किस्म की खुशी अता फरमाए, किसी किस्म का कोई गम परेशानी आफ्ता मुसीबतें सख्तियाँ बलावा तो महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मोहतरम साथियों, दुआ करने अल्लाह पाक इस कोरोना की आफत नूं पूरी दुनिया तो ख़त्म करे। इस आफत ने बहुत ज़्यादा लोगों ने परेशान किया होया है और अल्लाह पाक अपनी रहम करम और फजल दे नाल इस आफत तो टाले और हर किस्म की परेशानी नूं मुसीबतां सख्तियां बलावां तो हर बंदे नूं महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मोहतरम सामईन इकराम, मेरा ये पैगाम ये मैसेज आपके लिए यही है कि इंसान जब एक वक़्त होता है कि लफ्ज़ इंसान के महताज होते हैं, जो बात करता है वो इंसान लफ्ज़ उसके महताज होते हैं, लफ्ज़ों का लफ्ज़ वो अपनी ज़बान से निकालेगा तो वो एक बात बनेगी, तो बाद में ऐसे लफ्ज़ वो इंसान निकाल देता है अपनी ज़बान से कि जो इंसान अपने लफ्ज़ों का महताज हो जाता है, अपने लफ्ज़ों के लिए मजबूर हो जाता है, ऐसे लफ्ज़ बोल बैठता है कि जो उसके लिए बहुत बड़ी ज़हमत का बास बने, वो लफ्ज़ उसको बहुत बड़ी ही दुश्वारी मुश्किल का बास बन जाते हैं। तो ये एक बात हम सबको समझनी और सोचनी चाहिए, लफ्ज़ों का चुनाव, लफ्ज़ों का इस्तेमाल वो करें कि जो हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन और बेहतर हल बन सकें, हमारे और दूसरों के दरमियान में अच्छा और बेहतरीन रابطہ और अच्छा और बेहतरीन सलूक, अच्छा और बेहतरीन ज़रिया बने, वो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें ऐसे लफ्ज़ ना बोलें कि जिनके बोलने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल तो और बहुत बड़ी एक ज़हमत का बास बनना पड़े, तो उन ऐसे लफ्ज़ों से हम सबको अल्लाह पाक बल्कि हमको ही अपने आप को बचाएं। तो यही एक मेरा छोटा सा मैसेज आप सब के लिए और मैं अपने दुआ मुकम्मल करता हूँ, अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद फरमाए, आप सबको ज़िंदगी में हज़ारों खुशियाँ दे, किसी किस्म का गम परेशानी आफ्ता मुसीबतें सख्तियाँ बलावा तो महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे सामईन कराम, ये एक बात है जो हम सब को ही देखनी और सोचनी चाहिए और दुआ करते हैं अल्लाह पाक इस कोरोना की आफत को ख़त्म करे, हर बीमार को शफा दे दे, हर बेरोज़गार को रिज़क दे सवाब नाज़िल फरमाए, तमाम बेलादा को नेक साले औलाद दे दे, हर एक दुखी दी दुख को ख़त्म करे, हर परदेसी ओवरसीज़ मेरे दोस्त अहबाब जो जो जिधर जिधर भी हैं सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ साथ जो मजलूम लोग ने उन्होंने वास्ते खुसूसी दुआ किया करो, अल्लाह पाक मजलूम दिया इज्जत माल जान दिया हफाजत फरमाए, जालम दा हथ रोके और जालम नू हदायत नसीब फरमा देवे। तो इसी के साथ साथ हम सब को ही आपस में सलूक तफाक मोहब्बत भाईचारा कैम दैम रखन दी तौफीक अता फरमाए और नेकी दी तौफीक दे, अल्लाह पाक हम सबको नेक काम करने का के लिए अपने आप को हम बेहतर करें और नेक काम करने के अल्लाह पाक हदायत दे हम सबको। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात हो जाएगी, आप सारे सोना अल्लाह पाक निगेबान, आप सारे सोना अल्लाह पाक हम दो नासर रब रखा।